फ्रेंड्स, हमारा जो FIR का क्यूरिकुला था, FIR जितने एस्पेक्ट्स थे वो पूरा हो चुका है। FIR क्या होता है, FIR के कंटेंट्स क्या हैं, FIR कब और क्यों की जाती है, FIR का साक्षिक मूल्य क्या है, FIR अगर डिले है तो कोर्ट उसे कहां तक कंडोन कर सकती है, ये सब एस्पेक्ट्स हमने देखे थे। और आज हम उसके आगे के स्टेज की बात करेंगे जो होगा इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और पुलिस ही करती है, पुलिस के अलावा और कोई नहीं करता, जब तक कि मजिस्ट्रेट अदरवाइज कोई इस तरीके का ऑर्डर न दे। इन्वेस्टिगेशन क्या है पहले समझते हैं। इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन CRPC की सेक्शन 2 यस होती गई है। इन्वेस्टिगेशन में इतना ही कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, जो ऑफेंस हो चुका होता है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानने के लिए वो एविडेंस कलेक्ट करती है और उन्हीं एविडेंसेस को लेकर के कोर्ट में जाया जाता है। इसलिए जितना अच्छा FIR होगा, जितना जल्दी FIR होगा और पुलिस जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी उतने ही अच्छा कोर्ट के सामने एविडेंस रखा जाएगा। जब ट्रायल होगा तो तभी फ्री एंड फेयर का जो हमारा जो सपना होगा वो पूरा होगा। इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2S में केवल इतना ही डिफाइन किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस का कलेक्शन होता कैसे है और ये क्या क्या एविडेंसेस होते हैं जो पुलिस को कलेक्ट करना होता है, तो इसमें 7 स्टेजेस होती हैं। HM ऋषिबुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है, ये 1955 का केस है, HM ऋषिबुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, जिसमें बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कलेक्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन के कलेक्शन में 7 स्टेजेस होती हैं। ध्यान रखिएगा, एविडेंस पुलिस कलेक्ट करती है और जो एविडेंस है वो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जब एविडेंस कलेक्ट करने पुलिस जाती है तो कुछ उसे एसेंशियल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कुछ एसेंशियल स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ता है उसे। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई सूचना दे या उसे खुद पता हो, खुद पता लगाए कोई घटना घटी है, तो वो पहला स्टेप करती है, कोई स्पॉट पर जाती है, फर्स्ट स्टेप प्रोसीडिंग टू दिस स्पॉट। दूसरा स्टेप है जब स्पॉट पर चली जाती है, पहुंच जाता है पुलिस ऑफिसर, तो फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस को सर्च करता है, वे कौन कौन से सरकमस्टांसेस थे, कौन कौन से फैक्ट्स थे जिनमें मर्डर या कोई ऑफेंस हुआ होगा। वो स्पॉट को सर्वे करती है, लोगों से पूछती है और उसी बेसिस पर रिकॉर्ड करती है हमने क्या क्या किया। थर्ड स्टेप में उसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेसेस। जब उसे लगता है कि पार्टिकुलर पर्संस ए होगा, बी होगा, सी होगा, उन घटना को देखा होगा, बम धमाके आवाज सुनी होगी, हल्ला सुना होगा, खिड़की से देखा होगा या अदर सर्कमस्टांसेस, तो उसका काम यह होता है कि ऐसे लोगों को वो स्पॉट करे, ऐसे लोगों को वो सिंगल आउट करे जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड होंगे। एक्वेंटेड मीन्स अवेयर
अवगत होना कहते हैं। तो ऐसे लोग जो मामले के अपराध के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से अवेयर हो सकते हैं उन्हें वो सिंगल आउट करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं। और चौथा स्टेप होता है जब ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को, जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से अक्वेंटेड हो सकते हैं, ऐसे लोगों को रिटन ऑर्डर देती हैं। रिटन ऑर्डर कि आप थाने पर पहुंच करके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। अब पांचवा स्टेप होता है जब थाने पहुंचते हैं वो लोग रिटन ऑर्डर लेकर के, तो पुलिस ऑफिसर उनका इंट्रोगेशन करता है, उनका एग्जामिनेशन करता है। ध्यान रखिएगा ये वर्ड दो बार आया है, सेक्शन 161 और 160 में। डिटेल में बात नहीं कर रहे, केवल आपको मेन फैक्ट्स बता रहे हैं। तो उनको ही वो स्पॉट करती है, उनको ही लाती है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड हो सकते हैं, किसी और को न लाए, क्योंकि उनका हरसमेंट होगा ऐसे लोगों का अगर बिना समझे बूझे किसी को पढ़ के लाती है और उनका एग्जामिनेशन करती है। तो ये इनजस्टिस होगा, अनजस्ट होगा। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस पर है कि वो ये बताए, रिकॉर्ड करे कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनके आधार पर हमने ऐसे लोगों को ऑर्डर किया है वे अपना स्टेटमेंट आकर के रिकॉर्ड कराएं। तो उनको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद अगर उनके स्टेटमेंट में कुछ मिलता है तो जैसे वो किसी स्पॉट का नाम बताते हैं, ये बताते हैं उनके स्टेटमेंट से लगता है कि अक्यूज कहीं छिपा होगा या अक्यूज ने कोई सामान छिपाया होगा, ऐसा कोई इंक्रीमेंट मटेरियल होगा जो उसको जरूरत है, तो उसके आधार पर वो सर्च करती है, सीजर करती है, छापे मारती है। ये प्रोविजन 165 166 में है, अभी हम आगे बताएंगे चल करके। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन विटनेसेस को या उनके बेसिस पर किसी अदर पर्सन को अक्यूज बनाती है और अक्यूज बना करके उसे अरेस्ट भी कर सकती है। और लास्ट स्टेप होता है जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है पुलिस के सामने, जरूरत पड़ने पर अरेस्ट हो सकता है नहीं हो सकता, तो जिन विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है उन्हीं विटनेसेस को फिर ले आती है। अगर उनमें से लगता है उनमें से कोई अक्यूज्ड है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को लगता है कि यही होगा, तीन लोगों का, चार लोगों का, पांच लोगों का रिकॉर्ड करती स्टेटमेंट, तो ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करती है। अब पॉइंट आउट करके ले आती है मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने ला के क्या करती है वो, क्योंकि अगर किसी को अक्यूज्ड वो स्पॉट कर देती है, पॉइंट आउट कर देती है, तो पुलिस की पावर खत्म हो जाती है उस अक्यूज के कंटेक्स्ट में। क्योंकि जब आप सेक्शन 45 में देखें एविडेंस एक्ट में, तो पुलिस के सामने कोई भी अक्यूज्ड अगर स्टेटमेंट कन्फेशन का रिकॉर्ड करता है तो वो इनवैलिड होगा, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता कोर्ट के सामने। इसीलिए जब इन्वेस्टिगेशन करते करते वो अक्यूज को ढूंढती है तो अक्यूज पर्सन को वो खुद इंटरोगेट नहीं करती बल्कि ले आती है मजिस्ट्रेट के सामने। सेक्शन 164 में प्रोविजन दिया गया है, मजिस्ट्रेट अक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, उसकी फॉर्मेलिटीज है जो डिस्कस करेंगे प्रोबेबली कल हम। इसके बाद जब वो सारे इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स में पुलिस का भी एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी हो जाता है, या अगर कोई अदर एविडेंस है विटनेसेस का वो ही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो जाता है, तब सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी केस डायरी को लेकर के वो मजिस्ट्रेट को दे देती है, मजिस्ट्रेट को रिफर कर देती है। और फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे इन सब के बेसिस पर वो एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है। तो पुलिस रिपोर्ट क्या है, एक प्रोडक्ट है जो इन्वेस्टिगेशन से डिराइव होता है। पुलिस रिपोर्ट में वही चीजें होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, डॉक्यूमेंट में, एग्जामिनेशन जो करता है
अपने केस डायरी में जो लिखता है वो रिकॉर्डेड होती है, और उन्हीं इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर, एग्जामिनेशन के बेसिस पर, मजिस्ट्रेट के सामने कमीशन रिकॉर्ड करने के बेसिस पर जो भी वो रिपोर्ट तैयार करती है 173 क्लास 2 में, उसे सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को, उसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज चालान कहते हैं और लीगल लैंग्वेज में पुलिस रिपोर्ट करते हैं जिसका मेंशन किया गया है 173 क्लास 2 में। यह हुआ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस करती है, हमेशा पुलिस करती है, केवल उसी स्थिति में जब मजिस्ट्रेट अदरवाइज कोई ऑर्डर न दे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो अभी हम आगे के लेक्चर्स में लेंगे। और इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट होती है उसे 173 क्लास 2 की रिपोर्ट कहा जाता है, जो मजिस्ट्रेट के सामने जाती है और उन्हीं के बेसिस मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है तो ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या जिसे अक्यूज बनाया है रियल में अक्यूज है भी कि नहीं है। और अगर इस रिपोर्ट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला नहीं बनता, उस केस को डिसमिस कर देती है, और अगर लगता है कोई मामला बनता है उसे आगे बढ़ाती है। अभी आगे हम देखेंगे उसको लेकर के। तो ये हुआ इन्वेस्टिगेशन। अब इसी कंटेक्स्ट में हमारे सामने आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी की डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी गई है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन केवल पुलिस ऑफिसर करता है, FIR हुई हो चाहे नया हुई हो, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी का कोई कंटेक्स्ट, कोई रेफरेंस, कोई रिलेशनशिप पुलिस से नहीं होता। इंक्वायरी का जो कंटेक्स्ट है वो मजिस्ट्रेट से होता है। मजिस्ट्रेट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या दोनों में? कि इंक्वायरी भी और इन्वेस्टिगेशन भी दोनों को ट्रायल शुरू करने के पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट चाहे इंक्वायरी करता है चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ये काम ट्रायल शुरू होने के पहले होना चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है उसी में इंक्वायरी भी हो सकती है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, मगर एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो न तो इन्वेस्टिगेशन होगा, न तो इंक्वायरी होगी, और न तो किसी अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा करके उसका कमीशन रिकॉर्ड होता है। ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के समय में पूरी हो जानी चाहिए। तो पहला डिफरेंस क्या इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में? इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी इज मेड बाय द मजिस्ट्रेट, जो एक जुडिशियल अथॉरिटी होता है, एग्जीक्यूटिव नहीं होता। पुलिस एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, ऑफिसर होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि जहां इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वहीं इंक्वायरी का पर्पज होता है असर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स, तथ्य। अगर कोई केवल तथ्य विवादित है तो वहां पर इंक्वायरी होती है। मजिस्ट्रेट का काम इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि किसी पार्टिकुलर फैक्ट को असर्टेन करना होता है। और तीसरा डिफरेंस देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन हमेशा वन साइडेड होता है। पुलिस करती है, वो किसी को हियरिंग का मौका नहीं देती। अगर कोई विटनेस कहेगा तो हमें सुन लिया जाए, हमें वकील दिया जाए, तो पुलिस ऑफिसर कहेगा नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप केवल अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दीजिए। और इसके बाद यूनिलैटरली, वन साइडेडली पुलिस रिकॉर्ड करती है और अपने रिपोर्ट को सबमिट करती है, जबकि इंक्वायरी में हमेशा दूसरी पार्टी को हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दी जाती है। वो चाहे पार्टी स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, लेकिन दो पार्टीज होनी चाहिए और दूसरी पार्टी को भी बिना सुने इंक्वायरी पूरी नहीं होती। ये तीन अंतर दोनों में दिखाई पड़ता है। फिर हमारे सामने आता है इंक्वायरी एंड ट्रायल। ठीक है, सेक्शन 2G में इतने लिखा गया है कि जो ट्रायल नहीं है वह इंक्वायरी है। इस शब्द हमें जाना ट्रायल क्या है। अब इसके बेसिस पर हम अंतर कैसे करेंगे इंक्वायरी ट्रायल पर? दोनों में सिमिलरिटी क्या है?
सिमिलरिटी दोनों में ये इंक्वायरी एक तो ट्रायल के पहले शुरू होती है, जब इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच स्टेज होती है तो या तो इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन हो, उस स्टेज पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो सकती है। अगर कंप्लेंट का केस है तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करा सकता है, इंक्वायरी करके फैक्ट्स को समझ सकता है, संज्ञान ले सकता है, लेकिन केवल ट्रायल शुरू होने के पहले, चार्ज फ्रेम करने के पहले या चार्ज में जब हम जाते हैं उसके पहले पहले इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। यही दोनों में सिमिलरिटी है। अब और अंतर मैंने बताया आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में। अब इंक्वायरी ट्रायल में पहला अंतर क्या है? पहला अंतर तो यही है कि इंक्वायरी हमेशा ट्रायल के पहले ही होती है, ट्रायल शुरू होने के बाद इंक्वायरी नहीं हो सकती बल्कि ट्रायल होता है। दूसरा मेन पॉइंट, इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट का रोल या जज का रोल, अगर जुडिशियल इंक्वायरी हुई तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई वो, उसका रोल लिमिटेड होता है। वो लिमिटेशन क्या होती है? उसको केवल फैक्ट्स क्या है उसका पता लगाना पड़ता है, फैक्ट सही है या गलत है। जबकि ट्रायल में केवल फैक्ट नहीं होते बल्कि ऑफेंस होता है, ऑफेंस हुआ है, ऑफेंडर ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है। तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्वायरी और ट्रायल में, इंक्वायरी में कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज फ्रेम नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले कहा कि चार्ज फ्रेम होने के पहले पहले इंक्वायरी हो जानी चाहिए। तो केवल फैक्ट्स का असर्टेनमेंट होता है, सही से फैक्ट का पता लगाने के लिए इंक्वायरी होती है, जबकि ट्रायल तभी होगा जब चार्ज फ्रेम हो जाए। चार्ज फ्रेम होने के बाद क्या होता है? अक्यूज गिल्टी है या नॉन गिल्टी है। तो ट्रायल का पर्पज होता है टू डिक्लेयर एनी अक्यूज गिल्टी और हिज एक्विटल। इंक्वायरी में एक्विटल और कन्विक्शन का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन ट्रायल में अगर वो कन्विक्शन या एक्विटल दोनों में से कोई रिजल्ट नहीं होता तो वो ट्रायल नहीं होगा। यही तीन अंतर हमें दिखाई पड़ता है इंक्वायरी और ट्रायल में। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर को, मेन लेक्चर को, इन्वेस्टिगेशन से। सेक्शन 157 से लेकर के 173 क्लास 2 तक कि जो स्टेजेस होते हैं वो सारे स्टेजेस इन्वेस्टिगेशन के हैं। कन्वीनियंस के लिए हम इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला तो 157 टू 163, 157 टू 163। दूसरा 164 और तीसरा 165 एंड 166। एक स्टेज और भी हम देख सकते हैं, वो है 167 से लेकर के 172 तक। अभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी हम इसको जो वन बाय वन लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स अंडर सेक्शन 157 क्लास 1। 157(1) में पुलिस, 157 में जब हम जाते थे तीन क्वेश्चन का आंसर हमें देना होता है। पहला तो ये कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाउंड है? उत्तर है नहीं। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय किसी को एसेंशियली अरेस्ट कर सकती है? उत्तर नहीं। और तीसरा, अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है उसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी? इसके आगे का लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि हमारी वीडियो की जो कैप्सी है हमारी मोबाइल कैप्सी ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे खत्म करके कल डिस्कस करूंगा डिटेल में। थैंक यू।